दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक रियल लाइफ हॉरर की, जो घटना हुई थी जापान में। यहाँ पर एक लड़की रोज रात को काम करके ट्रेन से घर को जाती थी रात को 11 बजे। लेकिन एक दिन जब वो शिन हवामात्सु स्टेशन से ट्रेन में चढ़ी तो 20 मिनट हो गए उसका स्टेशन नहीं आया, और तो और ट्रेन एक टनल से होकर गुजरी और इस लड़की जिसका नाम हासुमी था, उसका कहना था कि उसके रास्ते में कभी टनल था ही नहीं या कभी टनल आता ही नहीं था। कहानी तब और सीरियस हो जाती है जब हासुमी एक स्टेशन पर उतरने का सोचती है और फाइनली उतर जाती है। हासुमी इस दौरान एक ब्लॉगिंग साइट पर दो दोस्तों के साथ चैट कर रही थी जिन्हें वो फेस टू फेस तो नहीं जानती थी, लेकिन ये तीनों ब्लॉगिंग साइट पर फ्रेंड थे जिन्होंने बाद में इस बात का खुलासा किया था। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू स्टफ अहेड। आज की कहानी शुरू करते हैं। रात के 11:14 पर हासुमी एक मैसेज पोस्ट करती है ब्लॉगिंग साइट पर, जहां पर वो लिखती है कि हो सकता है ये मेरी इमेजिनेशन हो, लेकिन मैं जिस ट्रेन में चढ़ी हूँ शिन हमामात्सु से, वहां से मेरा घर 5 मिनट में आ जाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं आया है और ट्रेन चलती जा रही है। लगभग 8 मिनट हो चुके हैं। रात के 11:23 पर हासुमी एक और मैसेज करती है कि 20 मिनट हो चुके हैं और अभी तक मेरा स्टेशन नहीं आया है, लेकिन एक टनल ज़रूर आया है जिस टनल का नाम है ईसानुकी टनल। तो एक यूज़र उसको सलाह देता है कि तुम ड्राइवर से जाके पूछो कि ये ट्रेन कहाँ जा रही है, और अगर आपको लगता है कि ये ट्रेन गलत डायरेक्शन में जा रही है तो अगले स्टेशन पर उतर जाओ। हासुमी इस बात को मान लेती है और वो ड्राइवर की तरफ बढ़ती है, लेकिन वहाँ पर जाकर वो देखती है तो उसको ब्लैक मिरर के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। वो ब्लैक मिरर के आर पार ही देख नहीं पाती। अब ट्रेन स्लो होना शुरू होती है तो हासुमी कहती है कि ट्रेन स्लो होना शुरू हो रही है, अब मुझे क्या करना चाहिए। एक यूज़र एडवाइस देता है कि तुमको स्टेशन पर उतर जाना चाहिए और वहाँ पर जाकर स्टेशन मास्टर से पूछना चाहिए कि तुम्हारे घर जाने के लिए वापस कौन सी ट्रेन मिलेगी, जबकि दूसरा यूज़र कहता है कि नहीं, वहाँ पर देखो पहले कि पैसेंजर कितने हैं। हासुमी कहती है कि यहाँ पर 5 पैसेंजर हैं मेरे साथ और 5 के 5 सो रहे हैं। तो दूसरा कहता है कि तुम वहीं पर रहो उन पैसेंजर के साथ, और जहाँ पर वो उतरे वहाँ पर उतर जाना, क्योंकि चीज़ें मुझे कुछ अच्छी नहीं लग रही है। लेकिन हासुमी पहले यूज़र की बात मानकर स्टेशन पर उतर जाती है। वहाँ पर वो देखती है कि यहाँ पर कोई स्टेशन मास्टर नहीं है, यहाँ पर कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई टैक्सी नहीं है, इवन यहाँ पर कोई दुकान वगैरह कुछ भी नहीं है। अब ट्रेन जा चुकी होती है और 1 घंटा गुजर चुका होता है। एक यूज़र उसको सलाह देता है कि यहाँ पर कोई ट्रेन की फ़ोन बुक होगी, उसमें से टैक्सी वालों के नंबर निकालो, टैक्सी को कॉल करो और तुम्हारे पेरेंट्स को भी कॉल करो। लड़की कहती है कि मैंने अपने पेरेंट्स को, अपने डैड को कॉल कर दिया है और वो जल्द ही कुछ करते होंगे। अब इस स्टेशन का नाम था कीसारागी स्टेशन। एक यूज़र कीसारागी को जैपनीज में ढूंढता है तो उसको पता चलता है कि कांजी लैंग्वेज में कीसारागी को डीमन या शैतान भी कहा जाता है। 1:12 पर एक यूज़र उसको एडवाइस करता है कि एक काम करो, तुम जिस रास्ते आए हो उसी रास्ते पर वापस ट्रैक पर चलना शुरू कर दो, तो इस तरह से तुम वहाँ पहुँच जाओगी जहाँ से तुमने शुरू किया था। और हासुमी चलना शुरू कर देती है। इस बीच एक यूज़र कहता है कि अगर तुम मजाक कर रही हो तो ये काफ़ी डरावना है और ये बिल्कुल फ़नी नहीं है, अगर मजाक कर रही हो तो हमें बता दो ताकि हम तुम्हारे लिए इतना सीरियस ना हो। लेकिन हासुमी कहती है कि इट्स नो जोक, ये कोई मजाक नहीं है, मैं रियल में इसी सिचुएशन में फंस चुकी हूँ। अब चूंकि हासुमी रास्ते पर जाना शुरू करती है तो वो देखती है कि आसपास कोई बिल्डिंग नहीं है, सिर्फ घास के मैदान दिख रहे हैं और पहाड़ दिख रहे हैं। हासुमी पुलिस को कॉल करती है लेकिन पुलिस उसकी बात को सीरियस नहीं लेती है। पुलिस हंसती है और डांट डपट कर उसका फ़ोन रख देती है। इस बीच हासुमी को पीछे ड्रम की और घंटियों की आवाज़ सुनाई देती है। 2:09 पर हासुमी को पीछे से एक बूढ़े आदमी की आवाज़ आती है जो कहता है कि रेलवे ट्रैक पर मत चलो। हासुमी मुड़कर देखती है तो वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी था जिसका सिर्फ एक पांव था। हासुमी जैसे ही उसके पास जाने को होती है, बूढ़ा आदमी गायब हो जाता है। हासुमी यहाँ पर बहुत ज़्यादा डर जाती है। एक यूज़र कहता है कि पीछे मत देखो और सीधा सीधा चलती रहो जिधर से ड्रम की और घंटियों की आवाज़ आ रही है। हासुमी तेज चलना शुरू करती है और इस बीच में वो गिर जाती है। कीचड़ में और धूल में वो सना जाती है और इसके साथ ही उसके खून भी आ जाते हैं।
इसी बीच उसके डैड का कॉल आता है। उसके डैड कहते हैं कि मैं पुलिस से संपर्क कर रहा हूँ, वो जल्द ही वहाँ पहुँचते होंगे। अब ड्रम और घंटियों की आवाज़ तेज होती जाती है और इसी बीच 2:45 पर हासुमी पहुँच जाती है ईसा नुकी टनल के मुहाने पर और वहाँ पर वो कहती है कि आई होप जब तक मैं टनल पार ना कर लूँ तब तक वो ड्रम की और घंटियों की आवाज़ आ रही है, जो भी चीज़ चलकर वो आ रही तब तक वो मुझ तक ना पहुँचे। और जब वो टनल पार कर लेती है सेफली 3:20 पर हासुमी एक इंसान को देखती है जो ये कहता है कि तुमको जहाँ जाना है मैं तुमको वहाँ के लिए लिफ्ट दे सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। एक यूज़र कहता है कि उसका भरोसा मत करना, हो सकता है ये कोई फ्रॉड हो, लेकिन हासुमी को वो आदमी काफ़ी काइंड काफ़ी जेंटल लगता है और वो एग्री कर जाती है और वो उस आदमी के साथ वो कार में बैठ जाती है। और कुछ देर चलने के बाद वो उस आदमी से उसका नाम और लोकेशन पूछती है तो आदमी सिर्फ बोलता है हीना। हीना बेसिकली जापान में एक जगह का नाम है जो माउंट फूजी के पास है। उसके अलावा बूढ़ा कुछ नहीं बोलता, बूढ़ा सिर्फ कुछ बड़बड़ा रहा होता है। 3:37 बूढ़ा अपनी गाड़ी को मोड़ता है और वह वापस से उसी जगह की ओर चल पड़ता है जहाँ से हासुमी आई थी। यहाँ पर आकर हासुमी को काफ़ी ज़्यादा डर लगता है क्योंकि वो जो आदमी होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज बिहेवियर करने लग जाता है, काफ़ी अजीब हरकतें करने लग जाता है। अब चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे तब हासुमी को घबराहट होती है और वो दोस्तों से कहती है कि हम वापस उसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ से मैं आई थी। तो उनमें से एक यूज़र बोलता है कि जैसे ही मौका मिले और कार की स्पीड कम हो तुम कार से जंप मार देना। 3:44 पर हासुमी का लास्ट मैसेज आता है कि बैटरी लो हो चुकी है और उसके बाद उसका कोई रिप्लाई नहीं आता। अब देखो इसके पीछे अलग अलग थ्योरीज चलती हैं। एक थ्योरी ये कहती है कि ये लड़का हो या लड़की, हासुमी जो भी है, ये एक प्रैंक कर रहा था क्योंकि हमामासु स्टेशन सबसे पहला स्टेशन है और यहाँ से ये चीज़ भी नहीं हो सकती कि ट्रेन उल्टी दिशा में जाए क्योंकि यहाँ से ट्रेन सिर्फ एक ही दिशा में जा सकती है और अगर उसी दिशा में जाएगी तो जाहिर सी बात है पहले हासुमी का स्टेशन ही तो आएगा। दूसरा ये कि हासुमी कहती है कि ट्रेन हर 8 में रुक रही है जबकि ट्रेन हर 3 में रुकती है। तीसरी बात कि हासुमी कहती है कि यहाँ पर पहाड़ हैं, ग्रास के लैंड हैं, फील्ड है, लेकिन जिस ट्रेन की बात हासुमी कर रही थी वो ट्रेन सिर्फ सिटी में चलती है, हमामासु के शहर में ही चलती है, वो कहीं बाहर की तरफ जाती ही नहीं। अब चौथी बात जो प्लेस की बात करी है इसने हीना, जो कि माउंट फूजी में थी, वहाँ पर 20 में किसी भी तरह से जाना संभव नहीं था। अगली बात ये कही जाती है कि हो सकता है कि हासुमी एक अलग डायमेंशन में चली गई हो जहाँ कीसरागी स्टेशन एग्जिस्ट करता हो और साथ ही साथ ईसानुकी टनल भी एग्जिस्ट करता हो, क्योंकि दूसरे डायमेंशन में जाकर ये संभव हो सकता है कि सिर्फ 20 में वो माउंट फूजी के हीना नाम के प्लेस पर पहुंच सकती हो। और तीसरी थ्योरी ये है कि हो सकता है वो टाइम ट्रेवल करके एक फैंटम स्टेशन, एक भूतिया जगह पर पहुंच गई हो जहां से वो कभी वापस नहीं आ पाई। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। ऐसी कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और लिस्ट में ढेर सारी कहानियां हम अपलोड कर रहे हैं और करते रहेंगे, उनको भी देखते रहें। थैंक यू वेरी मच।